बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और पेपर्स की तैयारी आप लोगों की एमए इकोनॉमिक्स की अच्छी जा रही होगी। एग्ज़ाम्स का सीज़न है। पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़िलहाल ये हवा सुनी है मैंने कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। डेट्स ये चेंज करते रहते हैं, पता कोई नहीं इनका। दिस इज माई पोर्टल, 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 दिस इज माई पोर्टल। वी ऑल हैव सेम पोर्टल, दैट इज इकोनॉमिक पोर्टल। आज ये वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इम्पोर्टेंट वीडियो है, एम इकोनॉमिक्स पार्ट वन का कंपलसरी सब्जेक्ट है इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इस्लामी मुआशियात। ठीक है जी, तो इंग्लिश में मैं इसकी अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो उर्दू में मैं बता रहा हूँ। तमाम टॉपिक्स जिन लोगों की इस्लामी मुआशियात उर्दू में है, वो तमाम लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश वाले भी, वो काफ़ी हद तक उनको समझ आ जाएंगी बातें, लेकिन इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, परेशान आपने नहीं होना। सरगोधा यूनिवर्सिटी हो या पंजाब यूनिवर्सिटी हो और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यही सिलेबस है, लेकिन ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और उसके ऑडियंस जो सी है और पंजाब यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जितने भी हैं पेपर देने वाले, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जो क्वेश्चंस बताऊंगा ये आपने लाजमी लाजमी कर लेने हैं। पिछले 7-8 सालों के पास्ट पेपर्स का निचोड़ है। जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सामने रखते हुए एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तमाम आपको मैं डिस्कस करूंगा। ये तमाम क्वेश्चंस करने के बाद आपने स्किप नहीं करने, कर लेने हैं। आपके ये अच्छे नंबर से पास हो सकता है। इस्लामियात को पास करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। 100 नंबर का पेपर है, तरीकाकार इसका यही है। 25 नंबर का एक क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन आएंगे। 7 में से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन में आमतौर पे एक क्वेश्चन के 2 पार्ट बना देता है, एक 10 नंबर का, एक 15 नंबर का। इस तरह करके 25 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और 2 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर में से एक 10 नंबर का पार्ट दे दिया, अगले चैप्टर में से 15 नंबर का पार्ट दे दिया। 2 चैप्टर्स में मिला के क्वेश्चन ये दे देता होता है। बुक जो इस वक्त मेरे पास है वो हाफिज मोहम्मद अकरम की है, इस्लामी मुआशियात। ये देख लें, इसका सरफेस ये है। इस बुक के टोटल 24 चैप्टर्स हैं। इन 24 में से 8 चैप्टर्स तो आपने बिल्कुल स्किप कर देने हैं। पीछे बचे 16 चैप्टर्स, उन 16 चैप्टर्स को कंप्लीटली कुछ चैप्टर करने हैं आपने, कुछ चैप्टर्स पार्शली करने हैं, कुछ चैप्टर्स में से मीन टू से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो ये इसके चैप्टर्स की अगर बात की जाए, आप लोग भी मेरे साथ साथ रहें और बुक आपके पास भी, अगर एम इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से या सरगोधा से कर रहे हैं तो यही बुक आपके पास भी होगी। फेमस बुक है, हर जगह से आराम से मिल जाती है और इदारों में ज्यादातर रिकमेंड भी यही की जाती है। सबसे पहला चैप्टर इसका हिस्से बने हुए हैं, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, सोम। इसमें हर हिस्सों में कुछ चैप्टर्स हैं। तो जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसका पहला चैप्टर है इस्लामी माशियात की नोयत व वुसत, नेचर एंड स्कोप। इस्लामी माशियात की नोयत वुसत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आपने लाजमी करना है। इस चैप्टर में जो जो काम आपने करना है, इस्लामी माशियात के माखज, वो किताब अल्लाह, सुनत रसूल अल्लाह, इज्तिहाद, उसकी शक्लें, इजमा, क्यास वगैरह, ये चीजें आपने इसमें कर लेनी है। इस्लामी माशियात की नोयत वुसत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आ जाता होता है इसके। कभी खदोखाल पूछ लेता है, नुमाया खसूसियात पूछ लेता है, अहमियत पूछ लेता है, नोयत पूछ लेता है। तो ये आपने लाजमी करना है, इसे स्किप नहीं करना। इसके बाद इस्लामी माशियात की तारीफ, वो लाजमी लाजमी करनी है। इसकी मुख्तलिफ तारीफें हैं, मुख्तलिफ तारीफें लिखें। 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ पास पेपर में और ये आपने इसकी तारीफें भी याद कर लेनी है। इसके बाद इस्लामी माशियात बमुकाबला मगरबी माशियात, इन दोनों में कंपैरिजन है, डिफरेंस है, ये आपने लाजमी देख लेना है, ये भी करना है। इस चैप्टर में बस यही काम करना है, बाकी सारी चीजें इस चैप्टर में आप स्किप कर दें। इसके बाद चैप्टर 2 की बात करें, चैप्टर 2 का नाम है इखलाकी इकदार और इस्लाम का मुआशी निजाम। इस चैप्टर में तकवा, मुसावात, अखुवत, अदल, मुआशी अदल, एहसान,
ये चीजें आपने कर दी है, इसके साथ हलालो हराम का तसव्वुर ये लाजमी करना है, ठीक है जी। तकवा, हलालो हराम का तसव्वुर, अदल, ये तो खास तौर पे चीजें इनमें से वो पूछ लेता होता है। हलालो हराम की आगे मजीद वो इसकी कार फरमाई, सरफ दौलत, पैदाइश दौलत, तबादला दौलत पे, तकसीम दौलत में हलालो हराम का कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम का, ये लाजमी करना है। चैप्टर नंबर टू का ये काम हो गया। चैप्टर नंबर थ्री में जो आपने काम करना है वो मुआशियात के इर्तका में मुसलमानों का किरदार, ये चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम और इस चैप्टर से भी पास्ट पेपर्स में कोई 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें मुसलमान मुफक्रीन और उनके मुआशी अफकार ये लाजमी करें। मुआशियात के इर्तका में मुसलमानों का हिस्सा ये लाजमी करें। मुसलमान मुफक्रीन के काम का मुख्तसर जायजा ये करें और कुरान व हदीस की मुआशियात तालीमात का खुलासा इस चैप्टर में ये काम करें। उसके बाद आते हैं जी चैप्टर नंबर फोर में, इस्लाम और दीगर मुआशी निज़ाम। इस्लाम और दीगर मुआशी निज़ाम में जो आपने काम करना है, इस्लाम का मुआशी निज़ाम ये डिटेल में देखें आप, इसके खदो खाल के हैं, खसूसियात के हैं। इसके बाद सरमाया दराना निज़ाम ये आपने लाजमी देखना है। इश्तराकियत का निज़ाम ये लाजमी देखना है। ये तीनों सेपरेट सेपरेट देख लें इसी चैप्टर में। इसके बाद टॉपिक है इस्लामी निज़ामे मईशत का सरमाया दराना के साथ और इश्तराकियत के साथ मुवाजना, इसे तो आपने लाजमी करना है, ठीक है जी। ये अक्सर क्वेश्चन में आया हुआ है। चैप्टर चार हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर फाइव है सरफे दौलत। सरफे दौलत का मफहूम और अहमियत आपने देखनी है। इस्लाम में सरफे दौलत का कॉन्सेप्ट क्या है इसे देखना है, इसके असूल क्या है, इत्तदाल क्या है, मुआशी इस्लामी मुआशरा में रवैया सारफ का नजरिया क्या होना चाहिए, इस्लामी नुक्ता नजर क्या है और मुस्लिम सारफ का तवादन कैसे होता है, ये सारी चीजें आपने इस चैप्टर में देख लेनी है। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर सिक्स, इस्लामी मईशत में रवैया फर्म। यही चैप्टर है, आप भी साथ साथ इसको वेरीफाई करते रहें, निशान लगाते रहें। इस चैप्टर में आपने इस्लामी फर्म का रवैया और मंडी के मुख्तलिफ हालात, एक तो ये चीज करनी है, मुकम्मल मुकाबला क्या होता है, अजारादारी क्या होती है, चंद दारा क्या होता है, इस्लाम और कीमतों की मकानियत ये भी क्वेश्चन लाजमी करना है आपने, आदलाना कीमत का नजरिया और इस्लाम, ये चीजें आपने इस चैप्टर में से करनी है। बाकी इसके अलावा आप तमाम चीजें स्किप कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर सेवन है जी शराकत व मुजारबत। शराकत व मुजारबत भी आपने लाजमी करना है। शराकत का कम्प्लीट टॉपिक देखें, मुजारबत का कम्प्लीट टॉपिक देखें, ये भी आ जाते होते हैं। चैप्टर नंबर एट की अगर बात करें, इसमें इस्लामी मईशत में मालियात के फराहमी के मजीद तरीके, इस चैप्टर में आपने बे मुसल्लम ये कर लेना है, बे मुराबा ये कर लेना है, बे मोजल ये तीनों चीजें देखें। इजारा की मुद्दत कितनी है ये भी आया हुआ पास पेपर में क्वेश्चन, और इजारा और इस्लामी बैंककारी में इसका इस्तेमाल क्या है, ये चीजें आपने कर लेनी है लाजमी। नेक्स्ट चैप्टर है जी चैप्टर नंबर नाइन। पीछे चार पार्ट्स आपके गुजर चुके हैं, हर पार्ट में किसी में एक चैप्टर है, किसी में दो चैप्टर है। तो अब ये चैप्टर फाइव आपका पोर्शन फिफ्थ स्टार्ट हो गया, इसमें चैप्टर नंबर नाइन है इस्लाम और तकसीम दौलत। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये एक टॉपिक आपने करना है, बाकी सारा कुछ स्किप कर दें। नेक्स्ट जी चैप्टर नंबर टेन है। चैप्टर नंबर टेन का नाम इस्लाम और तकसीम दौलत। इस्लाम और तकसीम दौलत में आपने इर्तकाज़े दौलत के खात्मा के लिए इकदामात, ज़कात मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़कात की फर्जियत, मैनी मकासद, ज़कात का हुक्म, इसकी शरायत, नसाब, मुसारफ, ये सारा ज़कात का काम आपने कर लेना है। बाकी सारा इसके टॉपिक आगे जितने भी हैं, विरासत हो गया, उशर हो गया, इसे आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ पोर्शन स्टार्ट होता है, जिसमें चैप्टर नंबर 11 से काम स्टार्ट हो रहा है हमारा, इस्लामी मईशत में सर्फ बचत सरमायाकारी के तफाल। तो आपने इस चैप्टर में सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट ले लेने हैं, इस्लामी मईशत में तफाले बचत क्या होता है, बचतें और मुस्लिम ममालिक में इस्लामी निज़ाम का नफाज क्या है ये आपने देख लेना है, सरफे दौलत के मुख्तलिफ नज़रियात क्या हैं, रवैया सारफ का इस्लामी तसव्वुर क्या है, इस्लामी मईशत में तफाले सर्फ क्या होता है, इस चैप्टर में बस यही आपने काम करना है।
इसके बाद नेक्स्ट है जी सेक्शन 7 स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 12 हुरमत सूद और गैर सूदी बैंककारी। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सूद क्या होता है डिटेल में आपने देख लेना है, इसकी तरीफ इकसाम ममानियत इस तजारत और सूद में फर्क, सूद को क्यों इस्लाम में हराम करार दिया गया, हुरमत सूद ये भी आपने लाजमी करना है, इसकी अहमियत माशरती अहमियत वगैरह वगैरह ये सारा टॉपिक आप करेंगे। हिस्से दोम में बिला सूद बैंककारी करेंगे, इस्लामी मईशत में बैंक के फ़राइज क्या होते हैं, बिला सूद बैंककारी की ज़रूरत, इस्लामी निज़ाम में निज़ामी मईशत में बैंककारी, गैर सूदी बैंककारी का मॉडल, ये आपने इस चैप्टर में ये लाजमी करना है। हिस्सा सोम वो आप स्किप कर दें, वो नहीं करना आपने, ये 12 चैप्टर्स तक आपका ये काम हो गया, क्लियर होगी बात। चैप्टर नंबर 13 है इस्लामी मईशत और अफरात ज़र, ये आप स्किप कर दें। चैप्टर नंबर 14 है तजारत खारजा, ये आप काट दें। चैप्टर 15 है इंश्योरेंस, ये काट दें। चैप्टर 16 है ज़कात और मालियाती पॉलिसी, 8th पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे नहीं आपने स्किप करना, ये लाजमी करना है। मालियाती पॉलिसी क्या होती है, इसमें खास तौर पे इस्लामी रियासत और इसकी मालियाती पॉलिसी, इस्लामी रियासत की मालियाती पॉलिसी के मकासद, ज़कात बतौर आला मालियाती पॉलिसी, ये तो लाजमी लाजमी करना है, ज़कात बतौर आला मालियाती पॉलिसी। ज़कात को एज अ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है फिस्कल पॉलिसी का। बाकी इस चैप्टर में हिस्सा दोम बैतुल माल टैक्सों की इकसाम ये सारा काट दें। चैप्टर नंबर 17 है जी इस्लामी रियासत में माशी किरदार, ये भी आप स्किप कर दें, इसमें सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है इस्लामी रियासत का माशी किरदार, इसे आप देख लें, बाकी सारा कुछ आप स्किप कर दें। 9th पोर्शन स्टार्ट होता है जी चैप्टर 18 से, चैप्टर 18 में माशी तरक्की, ये करना है आपने, इस्लाम में माशी तरक्की का मफहूम, इसकी इस्लाम में माशी तरक्की इसकी तारीफ अहदाफ ये चीज़ें आपने कर लेनी है, बाकी चैप्टर आप सारा काट दें। चैप्टर नंबर 19 है इस्लाम और माशी मनसूबा बंदी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हैं चैप्टर। 10th पोर्शन स्टार्ट होता है जी चैप्टर नंबर 20 से इस्लाम और नया आलमी इक्तसादी निज़ाम, इस चैप्टर में भी आपने बैनुल अक़वामी तिजारत और इस्लाम एक ये टॉपिक करना है, इस्लाम और नया आलमी इक्तसादी निज़ाम एक ये टॉपिक करना है, बस छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, बाकी पूरा आप चैप्टर स्किप कर दें। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 22, 23, 24, ये आखिरी चार चैप्टर हैं, मैं इनके नाम बता देता हूं, ये चारों काट देने आपने, ये इनमें से नहीं आता काम। पाकिस्तान में मईशत को इस्लामी खतूत पर ढालने की कोशिशों का जायजा, नेक्स्ट चैप्टर है इस्लाम का नजरिया मलकियत, हाँ इस नजरिया मलकियत में मलकियत के हकूक क्या हैं, इस्लाम में मलकियत की क्या रोल है, ये आपने देख लेना, बल्कि उसके अलावा पूरा चैप्टर काट दें। इस्लाम और अदल इज्तमाई ये चैप्टर 23 है, ये काट दें पूरा। चैप्टर लास्ट है जी पैदाइश दौलत चैप्टर नंबर 24 है, ये भी आप स्किप कर दें। तो इस तरह से इस्लामिक इकोनॉमिक्स की या इस्लामी मुआशियात की आपकी तैयारी कंप्लीट हुई, ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेने हैं, स्किप इनको नहीं करना। हर साल किसी के आने के चांसेस ज्यादा हैं, किसी के कम हैं, लेकिन आ जाते होते हैं ये क्वेश्चंस, इन्हीं में से ही रेपिटिशन बार बार हो रही है पास्ट पेपर्स में, तो ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।